प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार को अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विभिन्न कार्यक्रमों में किए शिरकत। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम, शुक्रवार को जनता दर्शन कर दोपहर बाद लखनऊ के लिए करेंगे प्रस्थान। सीएम योगी ने सहजनवा तहसील अंतर्गत पिपरा में 64 करोड़ 8 लाख की लागत से 12 एकड़ क्षेत्र में बन रहे अटल आवासीय विद्यालय का किया स्थलीय निरीक्षण। कहा, मानक के अनुरूप होने चाहिए कार्य, यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध की जाए कठोरतम कार्यवाही। जिला जेल के पीछे निर्माणाधीन फोर लेन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया निरीक्षण। कहा, गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखते हुए निर्धारित समय में पूरा करें कौआबाग बरगदवा फोर लेन का निर्माण। खोराबार क्षेत्र में हुए तिहरे हत्याकांड की जांच के लिए एसएसपी ने बनाई एसपी सिटी व एसपी साउथ के नेतृत्व में जांच कमेटी। सभी बिंदुओं पर करेगी जांच, रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी विधिक कार्यवाही। गुरुवार को सेवायोजन कार्यालय गोरखपुर मंडल में फायरिंग करने वाले उसी कार्यालय में तैनात वरिष्ठ सहायक को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक रिवाल्वर व एक खोखा कारतूस, 5 जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। आईसीएसई व सीबीएसई स्कूलों की मान्यता के लिए एनओसी को लेकर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने की बैठक। बैठक में गोरखपुर मंडल में 3 स्कूलों को दिया गया एनओसी, मंडलायुक्त ने दी जानकारी। गोरखपुर विश्वविद्यालय में परीक्षा केंद्रों पर खड़े परीक्षार्थियों के वाहनों की डिग्गी का लॉक तोड़कर मोबाइलों की चोरी करने वाले एक शातिर चोर को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का 4 मोबाइल व स्कूटी किया बरामद, भेजा जेल। और 30 अप्रैल से 2 मई तक आयोजित होगा गोरखपुर विश्वविद्यालय का राष्ट्रीय पुरातन छात्र सम्मेलन। कुलपति राजेश कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी।